ये आप ऑर्डर कर रहे हो क्या है ये? गाड़ी नजर नहीं आई थी आपको? नजर आया थी, नजर नहीं आई है गाड़ी में। तो पहली बार मैं इंडिकेटर दे के निकला था, पहली बार जाम लगा था मैं भी। हाँ, खड़े थे आप अंदर, महिला है, ये हाईवे पे आप चल रहे हो, ब्रेक तो लगा सकते हो आप। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा था, उन्होंने हाथ दिया ट्रैफिक वालों ने, सीधा हम निकल रहे थे, पीछे से आके सीधा मारा इसने, पीछे से आके सीधा मार दिया आपने, सीधा सीधा निकल रहे। जब मैं निकल ट्रैफिक वालों ने हाथ दिया निकलो तब मैं निकला था। तो आप नीचे देखोगे नहीं, छोटी वाहन आपके बगल में चल रहा है, क्यों नहीं देखेंगे सब? तो फिर ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हो गया? छोटे वाहन को आप देखोगे ही नहीं? इस हाईवे पे थोड़े दिन पहले 8 लोग मरे, आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? फिर आज अगर इनके साथ कुछ हो जाता फिर? गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? उससे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त नहीं बोल सकता हूँ, इस वक्त बहुत घबराया हुआ हूँ। मम्मी का बहुत जल्दी फोन आया गुरुद्वारे से और बहुत जल्दी जल्दी आ जा, गाड़ी किसी ने बहुत गंदी ठोक दी है, तो घबराहट हो गई है। देख रहा हूँ आ जाकर किसी की हालत नहीं बिगड़ी हो, और देखते हैं क्या हुआ है। ट्रक वाले कोई भैया होंगे, उन्होंने पीछे से गाड़ी ठोक दी, और ट्रक के एक्सीडेंट बड़े कॉमन है हाईवे पे, तो चलते हैं फटाफट यार। सुबह सुबह गाड़ी भी झटका दे रही है, 2-3 दिन बाद चालू हुई है। तो ट्रक ड्राइवर कौन है? क्या भाई साहब, ये है जी, ये आप ऑर्डर कर रहे हो क्या है ये? गाड़ी नजर नहीं आई थी आपको? नजर आया थी, नजर नहीं आई है गाड़ी में। तो पहली बार मैं इंडिकेटर दे के निकला था, पहली बार जाम लगा था मैं भी। हाँ, खड़े थे आप अंदर, महिला है, ये हाईवे पे आप चल रहे हो, ब्रेक तो लगा सकते हो आप। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं खड़ा था, उन्होंने हाथ दिया ट्रैफिक वालों ने, हम निकल रहे थे, पीछे से आके सीधा मारा इसने, पीछे से आके सीधा मार दिया आपने, तब मैं निकला, ट्रैफिक वालों ने हाथ दिया निकलो तब मैं निकला था। तो आप नीचे देखोगे नहीं, छोटी वाहन आपके बगल में चल रहा है, क्यों नहीं देखेंगे सब? तो फिर ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हो गया? छोटे वाहन को आप देखोगे ही नहीं, इस हाईवे पे थोड़े दिन पहले 8 लोग मरे, आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? फिर आज अगर इनके साथ कुछ हो जाता फिर? थोड़ा समझो बात को यार, इंसान जी रहे हैं रोड पे, ट्रक है आपके पास, बड़ा वाहन है, छोटे वाहन वालों को भी देखोगे नहीं देखोगे? तुम ये कह रहे हो पुलिस वालों ने तुम्हें हाथ दिया है, ये कह रहे हैं पुलिस वाले तुम्हें रोक रहे थे गाड़ी ठोकते हुए, तुम रोक नहीं रहे थे? तुम गाड़ी चला के वहां से यहां तक ले आए हो, ये गाड़ी चला रिम टूटने वैसे गाड़ी चलना में मुश्किल हो गई है बिल्कुल। बहुत दिक्कत हो गई गाड़ी के लिए भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मुझे टेंशन ही हो रही थी कि मम्मी को कुछ हो गया तो दिक्कत बहुत हो जाएगी भाई, क्योंकि ये एज बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे छोटी भी चोटें लगती है ना तो उसका सलूशन बहुत मुश्किल से निकलता है, तो इस वजह से। बाकी गाड़ी का क्या सही हो जाएगी आराम से, लेकिन ट्रक वालों की बहुत बड़ी दिक्कत है ये। UP 83 CT 5703। बाकी ट्रक वालों की बहुत दिक्कत है हाईवे पे, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं भाई, टेंशन ये रहती है बस एक्सीडेंट हुआ है तो नुकसान ना हो कोई। चलो भाई ट्रक निकल रहा है, बाकी देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। बाकी रूबल भैया गाड़ी चला रहे थे, तो रूबल भैया ने पुलिस पहले ही बुला ली थी, तो पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है, तो उसके लिए छोटे मोटे काम के लिए अभी थाने बुलाया, चलते हैं। कार भी सबमिट हो जाएगी अब काफ़ी दिन के लिए, इलेक्ट्रिक कार अपने पास रहेगी नहीं, तो चलते हैं थाना और बात बात करते हैं क्या सीन है भाई। पर यार बड़ी दिक्कत होती है सब चीज़ों में यार, प्रोसीजर में यार, है कि नहीं भाई? बेफालतू गाड़ी थाने खड़ी रहेगी अब। चलो भाई चलते हैं। तो अभी जस्ट हम थाने से लौट कर आ रहे हैं, और पुलिस वाले इंस्पेक्टर वाले भैया ने बताया कि भाई अगर आप मुकदमा लिखवाते हो तो गाड़ी जमा हो जाएगी आपकी भी और उनकी भी, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको जमानत भी करानी पड़ेगी दोनों गाड़ियों को, कुछ ऐसा रहेगा भाई। और बाकी एक चीज़ ये है कि यार अभी ना, बाकी ये चीज़ है ना कि भाई अभी ना टाइम थोड़ा ऐसा ही लगेगा कि गाड़ी अब इंश्योरेंस के लिए जाएगी, और उसमें भी लगभग लग जाएंगे 15 से 20 दिन गाड़ी को वापस आने में। वैसे कोई दुख नहीं है, बाकी घर वाले सब ठीक हैं, गाड़ी हमारे पास दूसरी भी है तो उसको यूज़ कर लेंगे। बाकी अभी जो ओनर है, जो ट्रक के ओनर हैं, वो फिरोज़ाबाद के हैं, वो आ रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत समझौता होने वजह से थोड़ा लेट लग रहा है, उसके बाद अपन आराम से घर वापस जा सकते हैं। बस मैं नहा के धोके निकला था, उसी देर में मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी घबराई हुई थी, उनकी वजह से मैं भी घबरा गया, दौड़ते दौड़ते मैं सीधा एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुँचा भाई। तो अभी बस हम गुरुद्वारे ही खड़े हुए हैं, गुरुद्वारे के ही जस्ट बाहर ही एक्सीडेंट हुआ था, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, रूबल भैया घर से बाहर ही निकले थे, बस यहाँ तक पहुँचे होंगे तो ट्रक वाले ने पीछे से पूरी गाड़ी घिस दी थी भाई, ख़तरनाक तरीके से पीछे से आ रहा था, उसे गाड़ी दिखी नहीं, उसके पास ना साइड कंडक्टर नहीं था, कंडक्टर होना भी कंपलसरी ड्राइवर के साथ, तो कंडक्टर था नहीं और कंडक्टर के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, उसे नीचे छोटे व्हीकल दिखे ही नहीं जो साइड में चल रहे थे उसके। चलो भाई कोई बात नहीं, गाड़ी अगर रोड पे है तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, बाकी लाख रुपए से ऊपर का नुकसान है, इंश्योरेंस में क्लेम लेके चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार वो जो ओनर है वो आ जाए और उसके बाद समझौतानामा हो जाएगा उनका जो ओनर जिनकी गाड़ी है, और फिर हमारा पेपर से, और हम फ्री हो जाएंगे, अपना इंश्योरेंस भी दे सकते हैं गाड़ी, और वो फ्री हो जाएंगे, वहाँ से वो अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं घर। भाई ट्रक वाले बड़ा उल्लू बनाते हैं, ओनर तो आया नहीं ट्रक का, अभी उन्होंने बोला तारे चले जाओ, आप अपने आप ही समझौता साइन कर लीजिए और ड्राइवर के साथ, और जाके आप वहाँ पे मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, ये हमें पहले ही बताया था भाई, इतनी देर यहाँ खड़ा तो नहीं होना पड़ता यार, बड़ा उल्लू बनाया ट्रक वालों ने यार सच्ची। अब फिर से जा रहे हैं यहाँ से थाना इंस्पेक्टर जी के पास, और उनके फिर वहाँ पे प्रार्थना पत्र देंगे कि हम दो पार्टीज का समझौता हो चुका है, फिर गाड़ी हमारी फ्री हो जाएगी। भाई बताओ हमारी गाड़ी ठुकी, हम ही समझौता साइन कर रहे हैं, हम ही अपने आप को बोल रहे हैं कि हम हमारी गलती हो गई भाई, हद हो गई यार, ये क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, गली हो गई, सुपर गली हो गई, और फिर हमारी गाड़ी हमसे 15 दिन छिनी रहेगी यार, और ट्रक का एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है, ट्रक के अंदर एक रिम से ही घिसी है पूरी गाड़ी, हद हो गई यार। गेट खोल दिया गुरुद्वारे का, गुरुद्वारे के अंदर ही गाड़ी को खड़ी कर दे रहे हैं, गाड़ी का जो पीछे का रिम है, क्योंकि जो गाड़ी का पीछे का रिम है ना वो पूरा टूट चुका है, और अब नहीं पता है कि वो चल पाएगी नहीं चल पाएगी और कितना आगे तक जा पाएगी, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं अभी के लिए, इसको यहीं खड़ी कर देते हैं और सुबह क्लेम में डाल देंगे। भाई बड़ा ख़तरनाक हाल हो चुका है गाड़ी का, पूरी गाड़ी डैमेज हो चुकी है, टोटल लॉस हो गया भाई ख़तरनाक तरीके से, लगभग समवेयर हमने पता किया 1,00,000 रुपये से ऊपर का खर्चा है इसके अंदर, और इस गाड़ी को मतलब थाने ना भिजवाने के लिए हमें चक्कर काटने पड़ गए हैं सुबह से लगभग 5 या 6 बार, अपनी गाड़ी के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा था भाई ख़तरनाक तरीके से, एक तो गाड़ी भी डूबी फिर परेशान भी हो रहे हैं और फिर पैसा भी भरना है भाई, बड़ी मुश्किल है भाई रोड के ऊपर गाड़ी चलाना आजकल। सो सेफली गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है भाई, हो सकता है सुबह टो करने यहीं से आ जाएंगे आराम से कंपनी वाले, और गेट लॉक कर दे रहे हैं, गुरुद्वारे का गेट है ये, और चाबी लेके आए थे भी अंदर से ही, गाड़ी यहाँ सेफली खड़ी रहेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और देखते हैं भाई अभी कल सुबह पूरा एक्सपैक्ट एस्टिमेट पता चलेगा कितना खर्चा आएगा भाई, फिर वो भी भरना है हम लोगों को भाई। और गाड़ी भी अब 15 दिन के लिए गई। कैसा लग रहा है भाई, और घूमने जाना है, घूमने जाना छोड़ दे, नहीं जा रहा है घूमना, हाईवे पे एक्सीडेंट कितने होने देखे, हाँ तो के बाद फिर तो तुम जाना नहीं आज के बाद, मैं तो जा सकता हूँ तुम्हारी बात है, आओ मेरे को चोट लग गई मैं तो सही हो जाऊंगा जल्दी, तुम्हें लग गई फिर कैसे हो गए, अच्छा ये बताओ बेल्ट कहाँ है तुम्हारी, देखा याद ही नहीं है, बेल्ट पहन के रखो ऑपरेशन होना है अभी थोड़े दिन बाद, डॉक्टर की ख्याल ही नहीं है भाई, और यहाँ देखो पहले कभी अलमारी का सामान फिर कहीं बाथरूम का सामान अभी किचन का सामान खोल लिया भाई, इतना सारा क्या चक्कर क्या है, ये सामान तेरे पास क्यों अट्रैक्ट करता सब कुछ, जब देखो सामान सामान, ये मेरे से अट्रैक्ट होता है, ए हाय मैं जा जाती हूँ वो सामान, तू गाड़ी के हाल देखिए ना, हाल तेरे तोते उड़ जाएंगे, देखना हाल दिखाऊं, दिखाता हूँ हाल तुझे, कहाँ पे है गाड़ी का हाल, बड़ा यार भी हाल है, पूरी घिस चुकी है, चल तुझे थोड़ी देर में दिखाते लेके चल के, कार रखी कहाँ है, गुरुद्वारे के अंदर खड़ी करिए, अब कहाँ लेके जाएंगे इसको, ये जाएगी कल सर्विस सेंटर पे, 1,00,000 रुपया लगभग खर्चा आएगा, पूरी ठीक हो जाएगी, ठीक तो पूरी हो जाएगी लेकिन 1,00,000 रुपये खर्च होंगे, हाँ सच्ची सीरियसली 1,00,000 रुपये खर्च होंगे पूरे, तो उन्होंने
कुछ भी नहीं दिए भाई, क्या अपनी गाड़ी छुड़वाने के बाद समझौते के लिए पैसे देने पड़ रहे थाने में अलग, नहीं तो थाने बंद हो जाती है। हमें अपनी गाड़ी छुड़वाने के थे, हाँ हमारी गाड़ी भी फंस गई उसमें, हमारी गाड़ी ठुकी, हमारी गाड़ी घिसी, हमारी गाड़ी टूटी और हमारी गाड़ी फंस गई थाने के अंदर। बताओ रोड पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो चुका है भाई, सच्ची बहुत भारी पड़ गया। मम्मी जा रही थी वेयर हाउस में शॉपिंग करने, वो भारी पड़ गया है। 2525 काय के लिए जा रहे थे भी तो पूछ लो। अच्छा ट्रक वाला तुमसे कह रहा है इंडिकेटर, मेरे से कह रहा है इंडिकेटर दे रहा था। अच्छा अपने अपने पीछे देखे, गाड़ी से पीछे देखे इंडिकेटर कहाँ है? ये तो मौके होते हाथ गरम। नहीं 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 गलत बात, मानना नहीं है। जगह देख के किया था, जगह देख के क्या करता है उसने पूरी लेके गया रिपोर्ट बनाने के लिए, देखे गया दीपक वो क्या कहते हैं ये तो क्या। चलो भाई हम तो न्यूज़पेपर में नहीं आए, लेकिन हमारी गाड़ी आने वाली है कल न्यूज़पेपर में, पक्की बात है। अगर आप भी के घर में भी अमर उजाला न्यूज़पेपर आने वाला है तो देख लेना। अच्छा लेने के जा रहे थे ये तो बता दो, एयर फ्रायर। मम्मी जा रही हो? मम्मी को क्या लेना था? आंटी ने एयर फ्रायर लेना था, मम्मी कह रही अपन भी चलते हैं गिफ्ट देने के लिए। लेना दोनों में से किसी ने नहीं कुछ था, चक्कर क्या था? मम्मी कह रही है पीछे वालों ने कुछ लेना था, पीछे वाले कह रहे मैंने कुछ लेना, इन्होंने कुछ लेना था, लेना किसी ने भी नहीं था भाई। दो दिन कल भी जल्दी बुला रहे थे, कल तो वो बंद था इसलिए रुक गया काम। लो लो फाइनल हो पा रहा है क्या? लेने जा रहे थे कुछ नहीं, कुछ नहीं गेड़ी मारने जा रहे, गेड़ी मारने जा रहे थे, देख रहे हो बाहर माहौल सही नहीं। मम्मा तुम बाहर मत लिख लो। पीछे आंटी रह गई, अकेले आंटी को ले आओ। आप चला लो आंटी पर, कोविड के बाद से बंद हुई पड़ी मेरी। शुगर है, शुगर है, एक्टा छोड़ दिया उन्होंने, फाइनली गाड़ी का दुख खत्म हो चुका है भाई, और अब थोड़ी मतलब घर में मुस्कुराहट निकल के आई है भाई। रीजन क्या है भाई, क्या है, कौन से मसाले हमारे यहाँ पे? पराठा मसाला, ये जो पराठे का मसाला उसकी जरा एक्सपायरी चेक कर लेना, वो साल डेढ़ साल पुराना होगा, फेंकने वाली कंडीशन में, खुला भी नहीं है, वो बेहतरीन कंडीशन में आने वाला, भारी फेंकना पड़ेगा। अभी आए मसाला, यीस्ट पड़ी है, यीस्ट भी पड़ी है, ब्रेड कब खिला रहे हो? अब मैदा ले आना चाहिए, यीस्ट खराब नहीं हो रही इतने समय पड़े पड़े, फ्रिज में रखी थी, डब्बे में रखी है। ये मम्मी ने जानबूझ रखी है मुझे परेशान करने के लिए, समझ में आ रहा है, इन्हें मेरे हाथ का खाना खाना था तो ये ऐसे पंगे ले रहे हैं मुझसे। अब ऐसे फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें कि मैं हाथ से बना के खिला दूंगा तुम्हें। नो 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 नो, ये लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं पराठा मसाला, मैंने ऐसा मसाला आज तक नहीं देखा। मैं कहाँ से ढूंढते ये सब चीजें? ये पंजाब से, अमृतसर से आए। अच्छा पराठा डलता भी है, पोमोग्रेनेट भी है इसमें, सीड्स लिखा, वाह सीड्स भी। अच्छा अच्छा ऐसी वैरायटी वाली चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो आप मम्मी को कांटेक्ट कर सकते हो, मम्मी कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के जरूर कोरियर करवा देंगी। पक्का अम्मा? नीचे नीचे कमेंट में डलवा दूँ सबके घर के एड्रेस वेड्रेस। मसाले आपको चाहिए हो हमें कांटेक्ट करें, हम आपके घर में भिजवा देंगे। ठीक है ठीक है, नीचे एड्रेस डलवा दूँ सबसे। नीचे एड्रेस भर दीजिए। लक्का क्या हाल है? लक्की अभी दिखी जस्ट। ये तो पैसे, ओ क्या निकाल रही है? पैसे नहीं है, क्या है, क्या क्या, अरे वो क्या है? लकी दिखा दे, दिखा दे, दिखा तो दे, क्या है? दिखा दिखा दे, नहीं नहीं दिखा दे, अरे दिखा दे, दिखा दे, पनीर पनीर तो दिखा दे, ये दिखा, ये क्या है, क्या क्या दिखा, दिखा दिखा, नहीं वो पनीर दिखा, उधर पनीर, अब पनीर इधर किचन नहीं है, अरे इधर गिरा मत, दिखा तो दे, दिखा दे, पता है क्या है इसके अंदर? वो जो 5 रुपए पुड़िया नहीं आती, छेनी, तंबाकू खा लिया? अरे है नहीं, तंबाकू है, तंबाकू तुम्हारे होठों पे लगाए सारा, वो एक का, हाँ तंबाकू है, जोड़ा खाती छुपा रही है तंबाकू, तभी ये सब मना कर रहे हैं, अंदर अंदर देख रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं सब, बोल दे नहीं कल से नहीं खाऊंगी,
अभी से नहीं खाऊंगी। बोल अभी से नहीं खाऊंगी। सबके सामने बोल, सबके सामने बोल, मैं नहीं खाऊंगी अब। और सब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सारे सारे देख रहे हैं। बोल रहे बोल, नहीं खाना है। खाएंगी खाएंगी, फिर भी कह रही खाएगी। नहीं खाना मना कर रहे सब, नहीं कह रहे सब, मना कर रहे नहीं खाना। मत खाओ भाई, मत मना कर रहे सब। नहीं सब वो कह रही सब खाते, मुझे मना क्यों कर रहे हो? नहीं सब मना कर रहे, नहीं खाना है, नहीं खाना। छोड़ देगी फिर? छोड़ रही, नहीं छोड़ पाऊंगी। देख रहे दुख, ये वो जो एडवर्टाइज आता है ना मूवी के अंदर स्टार्टिंग में, वो ही एडवर्टाइज वाली है। ये मैं छिलके रख रही हूँ, उसमें खा नहीं रही। क्यों? ऐसे ही कोई खा आपका जाता खाने को। झूठी एक नंबर की, ये खा रही है, खाने के लिए छिल रही है। और इससे पहले कहती थी मत मत रिकॉर्ड करो, नहीं तो मम्मी को बल जाए, मम्मी डांटेंगी। कौन सी मम्मी? दिल्ली वाली हैं? दोनों। क्यों? गला खराब है तेरा इसलिए? तो हो जाएगा, इससे गला भी खराब हो जाता है। यही मम्मी ने खाई थी इसलिए उन्हें खांसी लग गई। अरे भगवान, मैं नहीं खाऊंगा भाई, मुझे खांसी नहीं चाहिए। और वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। और हाँ, अगर आप देख रहे हो ना, मतलब दिल्ली वाली मम्मी, तो हाँ डांट जरूर लगा देना। और खा लिए, और खा लिए, बहुत खाइए, पूरा पूरा हाथ भर के खाइए। ये देखो, ये देखो, ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ। मम्मा इसने इमली खाई है भर के, इमली खाई। हाँ बीजे फेंक दिए, बीजे फेंक दिए। मम्मी बीजे से क्या करना था तुमने? हे भगवान, ये क्या क्या चीजें होती रहती हमारे घर में। मम्मा मैंने सुना तुम डांटने वाले थे इमली खाने वाले को। नहीं तो हैं? मैं डांटती किसी को? नहीं मैं ऐसे इतनी देर से मेहनत कर रहा था। चलो गेट खोलो, गेट खोलो, चलो चलो भाई गाड़ी निकालते हैं। हमारी आखिरी गाड़ी रह गई है जो लाल दुलारी, वो मिट्टी विट्टी बहुत खाई हुई है वैसे ये, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी का काम चल जाएगा अपना। और कल सुबह इस पर कपड़ा ढंग से मार देंगे भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी खाई हुई, खतरनाक तरीके से, काफ़ी दिन बाद निकलने वाली है। देख रहे हो भाई एक नौटंकी बाज को? हाँ पीछे हटो, लो चलो भाई गाड़ी निकालते घर से बाहर, छोटे से राउंड पे जा रहे हैं भाई। मतलब मस्ती चाय वाय पियेंगे दिल्ली गेट की, आगरा में काफी फेमस है दिल्ली गेट की चाय। सो आ चुकी है मम्मी हमारे साथ। मम्मी कहाँ जा रहे हो? खाने कुछ तो क्या खिलाने लेके जा रहा? खिलाने खाना क्या है बताओ तुमने? खाना तो बोला घर में बना रखा है। अच्छा, अरे मम्मा तुम्हें याद ही नहीं अभी हम दिल्ली गेट चाय पीने जा रहे हैं, भूल गए तुम। छे मम्मी भी शॉर्ट टर्म में मेरी लॉस हो गया है ना अम्मा, वो कौन सी मूवी थी गजनी वाला सीन हो गया है। अम्मा टैटू वैटू करवा दे फिर आपके, एक हाथ पे मेरा नाम, एक हाथ पे चंचल का नाम, ठीक है? फोन नंबर भी, फोन नंबर भी सही है फिर तो। भूल गई तो ले चलेंगे आप। सही है, सही सही, भूल गई तो फिर दूसरों से मिलवा सकती है आराम से। भैया मेरी गाड़ी देख के जानबूझ के आ गए, इन्हें पता चल गया था ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी है, इसको तो जरूरत पड़ रही थी। हाँ हाँ मीटर चेक कर लिया, पेट्रोल 501 का है ना। हाँ 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 ओ हो हो हो, नमस्ते बेटे मेरे घुटने जा देंगे तो। देख लो मम्मी को पहचान गए? मेरे को नहीं जानते? अरे मेरे को जान दो, अब मम्मी को पहचान गए? यंग थे तब से, अब तो बिल्कुल मेरे घर। कितने साल हो गए मुझे यहाँ पर आपको करते हुए? ग्यारह साल, मतलब जब हमारा घर बना हो ना, नहीं नहीं 2010 2001 से पहले बना हुआ था, और 10 साल के आसपास हो गया। अभी पेट्रोल की जरूरत पड़ती नहीं, पड़ती नहीं अब। अच्छा एक्टिवा अंकल चल रहा है, मम्मी डिस्कस करते होंगे, अंकल आते हैं वो जल्दी डिस्कशन चलेगा, बगा लो एक बार अंकल जी। वैसे मैं पहले अकेले जा रहा था, फिर मनीत ने बोला तुम अकेले नहीं जाओगे, तो फिर मैंने मनीत को भी बोला चल तू चल ले। जब मनीत को देखा तो फिर मैंने मम्मी को भी बोल दिया मम्मी तुम भी चल लो। मम्मी चलने निकली तो मम्मी ने अपनी बेस्टी को भी बुला लिया साथ में, तुम भी चलो। मम्मा एक काम करते, सुनो
ऊपर भी सीटें लगवा देता हूँ कैरियर के साथ, तो ऊपर भी दो चार लोगों को बैठा लेंगे। चलेंगे चलेंगे। ठीक है ना, अभी जो फ्रेंड आ रही है वो भी तो देखेंगे ना, तेरे मम्मी पापा को बुला लिया करा करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है मनीत, दिल्ली से मम्मी पापा को बुला लिया करेंगे तो वो भी चल लेंगे। उनको छत पे बैठाना ठीक है, अब कोई ना कोई या तो ये चल छत पे बैठेगी या तू बैठेगी, हम तो बैठे। मेरे को तो ड्राइव करना, मैं छत पे नहीं बैठ सकता हूँ। हम तब तक मनीत को छत पे बैठा देंगे ठीक है। मनीत ठंडी हवा खाते खाते चलना, सही रहता वैसे भी बाहर की हवा मिलती रहे। उड़ गई तो फिर गारा गारा पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। देख रहा हूँ मम्मी की फ्रेंड आ गई, बिल्कुल मम्मी जैसी है। कौन सी? ओहो देख रहा हूँ, मनीत की फेवरेट, मनीत की फेवरेट। हाँ आप लोगों को भी, आप लोगों को भी शादी वादी करानी हो तो ये बहुत अच्छी आंटी है। नहीं सच्ची अच्छी, जान पूछ के थोड़ा कह रहा हूँ। ओहो चलो भाई चाय पीने चलते हैं। और इस चाय वाला काफी ज्यादा फेमस है कि ये ना अपनी चाय में ना कुछ नशा मिलाता है ताकि लोग बार बार आए, है ना मम्मा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टेस्ट अच्छा है। अच्छा उसका टेस्ट अच्छा है। तेरा मामा मिलाता है। तेरा मामा मिलाता है मम्मा, तुम्हारा मामा मिलाता है, तुम्हारा मामा वहाँ जाता है स्पेशल मिलाने के लिए। मैं तो कभी भी गलत काम करके राजी नहीं है, सबसे बड़ी बात तेरे मामा ने चाय मिला। मैं सच्ची मम्मा मामा ने मिलाया, मतलब मेरे नाने ने मिलाया। सवाल ही नहीं, अस्सी का सवाल पैदा करना है। अस्सी सवाल तभी ना, देख लो दोस्तों की बात है। संजय प्लेस भी बांध दे। ये भाई आ चुके अपनी चाय, थैंक यू सो मच। हाँ ये आपकी भी आ चुकी चाय पीछे। ओहो हो पी के दिखाना एक बार। ये नशा वाली है देखो ना, बिल्कुल कॉपी लग रही है, ट्रू कॉपी। ये यंग वाली है और ये थोड़ा बुढ़ापे हो गई है, सफेद सफेद बाल हो गए। अदरक पाई है बहुत ज्यादा। नाखून देख रहे हो, नाखून अरे हाय देख रहे हो, जैसे कोई यंग बच्चा हो। अच्छा हाँ हाँ ये तो फायदा हो जाएगा इसका, गला सही हो जाएगा अम्मा अदरक से। हाँ ले जाके रह चलो, ठीक है चलो भाई चाय मैं पी लेते। और यहाँ पे ना एक और चीज़ अच्छी मिलती है, बन मक्खन, वो भी मंगाया मैंने। हाँ हाँ मजा आ गया, हद हो गया यार, ब्रेड मन के लिए बोला ला के नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, चाय पी लिए भाई, मेरे को लगता है इसी को गुजारा करना पड़ेगा। चाय खत्म होने का तो वैसे ही ब्रेड बन का मजा नहीं रहेगा। वैसे अभी ना मासी ने बहुत ढंग से रोस्ट किया मम्मी को, और रोस्ट बताता हूँ कैसे किया, बताना जरा। मासी ने पूछा मम्मी से कि चाय कैसी लग रही है, तो नहीं क्या बोला था अपने मुंह से बताओ तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। पतली पहाड़ी चाय पीने वाला बंदा इतनी बढ़िया चाय पी के की करेगा की करेगा। हाँ मेरी मम्मी ना चाय में सिर्फ एक चम्मच दूध डालती है बस, बड़ी कंजूस करती हूँ मैं। है अम्मा दूध के साथ कंजूसी करते हो ना आप? तेरे लिए बचा कर रखती हूँ, दूध पीता मैं भी नहीं हूँ। फाइनली लगभग पूरे साल भर रुकने के बाद ब्रेड बन आ ही चुका है भाई, और लगभग सभी की चाय खत्म हो चुकी है, किसी की नहीं बची है। हे भगवान, और वो भी एक देखे गया है। खाओ खाओ। ओहो उसने चार करे 1/4। ओहो ये एक बात है, सबसे बड़ा टुकड़ा तुमने क्यों लिया? इतना बड़ा टुकड़ा क्यों लिया भाई, होता बाकी सब कैसे खाएंगे? हे भगवान देखना कितना बड़ा लिया है। खाओ भाई। भाई वैसे चाय से कमी पड़ गई थी, मम्मी को तो दूध भी चाहिए था, हैं कुल्हड़ वाला। ये भी काफी फेमस रहता है आगरा में भाई, काफी ज्यादा मस्त सा होता है। और ये मनीत ने पहली बार पिया है ना, कैसा लग रहा है? अच्छा है, बड़ा स्लो बोला। आंटी बोल रही है मैं चाय भी पीती है,
और ये सब खाना खाने के बाद पी लिया है। देख रहे हो आप कैपेसिटी, अच्छी खासी कैपेसिटी है। तंदुरुस्ती खानदान से है, तंदुरुस्ती वाले खानदान से। मैं रोटी नहीं खाती जी जानबूझ के बता रही ताकि कोई बोल ना पाए। तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। और भाई एक बात बताऊँ, कल सुबह पता चलेगा कितना मोटा खर्चा होगा भाई, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है। और एक प्रॉब्लम पता है क्या है, जब एक बार कार का एक्सीडेंट हो जाता है ना तो एक्जैक्टली वैसे पैक अप नहीं हो पाती है जैसी कंपनी जब बनाते समय पैक करके देती ना, जहाँ से बनती हैं सारी गाड़ियाँ, तो वो वाली पैकिंग नहीं होती है। तो डर ये भी है, नहीं तो ज़्यादा अगर दिक्कत आई ना तो यहाँ से गाड़ी को ना दिल्ली टो कर देंगे, दिल्ली में सही तरीके से हो सकता है सही कर दें गाड़ी को। बाकी प्रे करते हैं भाई गाड़ी बढ़िया से सही हो जाए। भाई मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, लाइक करके जरूर जाना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट करके जाना जरूर बनता ही है भाई।